संजय सिंह ऑफ द आम आदमी पार्टी इज एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर देश में बढ़ रही है, पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है, पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी दो दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती, उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है, शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई, बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है, मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए, पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच, इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा, मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा, किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए, मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी।
जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला आज तक? कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा, यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मनीष जी के यहाँ पे जो सीबीआई के रेड पड़ा है, वो शराब नीति को लेकर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को, आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर में जो आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया, 144.36 करोड़ का जो फीस है माफ किया गया, नीतियों के अगेंस्ट जाके काम हुआ, ये सब कुछ पब्लिक, इन सारी बातों पर 1000 बार जवाब दे चुके हैं हम लोग। इन सारी बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दे चुके हैं, पूरी पार्टी दे चुकी है। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई की? येदुरप्पा जेल गया? हेमंत विश्व शर्मा पे जो जांच चल रही थी, वो जांच में कुछ निकला? क्या निकला बताइए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, कुछ हुआ? 9,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गए, कुछ हुआ? जल जीवन मिशन का 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ हुआ? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर रखा है, 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को उसने, कुछ हुआ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मकसद इनका बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। मकसद इनका बहुत साफ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, उसको बदनाम करना। इसी मामले वो उसमें कामयाब उनको मिलेगी नहीं। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी सर, 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जी, उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी क्या करना है, कैसे हम इस पे अपना जवाब देंगे। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी और 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, आपको लगता है कि मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, ऐसे ही चीख चीख के सारे उस समय भी चिल्लाते थे जब सीबीआई पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर, अरे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ने आए, कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को जब भी गिरफ्तार किया, इतनी ही गंभीरता के साथ, इतनी ही चिल्लाहट के साथ, इतना ही चीख चीख के, उस समय भी भाजपा ही चिल्लाते थे इस पे ये निकल गया, उस पे वो निकल गया, इस पे ये पकड़ा गया, उस पे राजेंद्र कुमार के कंपनियां पकड़ी गई हैं, फ्लैट पकड़ा गया है, बचेगा क्या? हुआ भाई आज तक? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, आप बताइए। तो ऐसा पहली बार सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई दिल्ली सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरी दुनिया में, देश में लोकप्रिय हो रहा है, उसको ही बदनाम करना है, उसको ही रोकना है। एक ऐसी छोटी सोच के प्रधानमंत्री अगर देश में हैं, तो
तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री की सोच इतनी छोटी हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम ना करने दे, अब बताइए कैसे वो देश को आगे लेके जाएंगे, क्या उनका सपना है इस देश के लिए, क्या सोचते हैं वो इस देश के लिए। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस कह रही है अच्छे से काम करेंगे तो कोई नहीं बचेगा, अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। संदीप दीक्षित पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करके कहा है कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि जब वो एजेंसी सही काम भी करे तब भी उसके कदम को दृष्टि से देखा जाता है, सबकी दृष्टि से देखा। अब पता नहीं कांग्रेसियों ने तो पूरे देश में अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था ईडी के और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ, सारे मुख्यमंत्री सारे नेता सड़क पर उतर उतर के चिल्ला रहे थे गलती कर दी गलती कर दी। तो कांग्रेसियों का अगर ये दोहरा नजरिया है तो वो अपना वो जाने। संजय संजय जी के दो सवाल है, अगर आपका एजुकेशन और हेल्थ मॉडल सक्सेस है जो आप कह रहे हैं, हालांकि अपोजिशन पार्टी ऐसा नहीं मानती, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि अगर दो मॉडल सक्सेस तो बाकी के पॉलिसीज में बाकी के नीतियों में कोई करप्शन नहीं हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सामने सिर्फ एक सवाल पूछा जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा, एक ही सवाल आपसे पूछा कि अगर वास्तव में शराब मुद्दा है तो जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 लोग से ज्यादा मारे गए वहां पर किसकी ईडी और सीबीआई की जांच हुई अब तक बताइए मुझे, कौन सा बीजेपी का नेता पकड़ा गया बताइए मुझे। बीजेपी ईडी और सीबीआई जब इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो बीजेपी के खिलाफ वो बिल्कुल पंगु हो जाती है, नहीं नहीं हमें तो कुछ नहीं करना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बात। और क्या अकेले ये पहला मामला है, मैंने आपको गिना तो दिया कि कितनी बार इन लोगों ने कब ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस, अरे भाई ये इस प्रकार से काम करते हैं। सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे, कह रहे थे उसकी जबड़े की जांच करनी है, आप बताइए ऐसे लोग हैं ये, इस तरह से काम करते हैं। सर मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये मॉडल सब ऑपरेंडी है, ये इसी तरीके से काम करते हैं। और दूसरा मनीष जी ने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जो सवाल उठाए थे उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सरासर निराधार है, वो पद पर रहते हुए उन्होंने गरिमा मेंटेन की और किसी भी तरीके का उनकी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुआ है। तो मनोज तिवारी बगैर जांच के बैजल जी को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं भाई, उनकी क्या साठगांठ है? तो ये तो दोहरा रवैया है, एक तरफ भाजपा कहती है जांच हो जाने दीजिए क्या फर्क पड़ता है, दूसरी तरफ कहती है नहीं नहीं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो किसको किसको हिस्सा मिला है, जांच होने दीजिए, ये कौन सा दोहरा रवैया है? एक तरफ तो कहते हो गर्दन दबा दो फांसी पे चढ़ा दो उल्टा लटका दो, और दूसरी तरफ कहते हो कि क्यों जांच होनी चाहिए। संजय जी कपिल मिश्रा ने जो अखबार अभी आपने लिखा है इसका फ्रंट पेज और खलीज टाइम्स दोनों का ट्वीट करते हुए कहा है कि ये दोनों पेड खबरें हैं जो आम आदमी पार्टी अपने विस्तार के लिए चला रही है। तो वो उन्हीं से सवाल पूछेगा। अनुराग ठाकुर का इसमें बयान है कि ये पहला मामला नहीं आम आदमी पार्टी के जरिए करप्शन का। अनुराग ठाकुर इस देश के मंत्री बने हैं, यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। गोली मारो छाप नेता इस देश का मंत्री बना हुआ है, वो बयान दे रहा है, आप उसके बयान को गंभीरता से ले रहे हैं और मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वो सब गोली मारो छाप नेता हैं, उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता।